हेलो फ्रेंड्स, स्टोरेज के समय आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचरों की वैकेंसी आई हुई है। इसमें पीटी, टीजीटी, पीआरटी की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें मैथ, ज्योग्राफी, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस आदि के भी यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर ऑफिसर साइड में दिखाते हैं। तो देखिए, जो ये वैकेंसी आई है, ये आई है यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल ऊंची बसी में। तो आप देख सकते हैं, जब आप इसकी ऑफिसर साइट खोलते हैं, इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएगी, आप यहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर रीच जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यू इवेंट पर आप अगर आप क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पर पहले आपको मैं होम पेज दिखाता हूँ। जब आप होम पेज पे जाते हैं, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर होम पेज इस प्रकार से दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल है ऊंची बसी में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप जाएंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखिए, तो यहाँ पे न्यू इवेंट आ रहा है। तो जब आप इस पर क्लिक कर देंगे, तो आपको यहाँ पे एडवर्टाइजिंग फॉर सेलेक्शन ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, और साथ में इधर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करते हैं, तो इस प्रकार से जो पीडीएफ है वो यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस चीज़ की यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आर्मी जो पब्लिक स्कूल जो ऊंची बसी है, जो कि ये पंजाब में पड़ता है, यहाँ पर पीटी की वैकेंसी आई हुई है। पीटी में यहाँ पे मैथ, ज्योग्राफी की आई है। इसके लिए देखिए आपका क्या होना चाहिए, तो इसके लिए जैसा हर जगह यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, वही यहाँ पर ही मांगा गया। आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, और 50% मार्क्स के साथ। अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं और आपने पीजी किया हुआ है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैथ और ज्योग्राफी की आई है। वहीं अगर हम टीटी की बात करें, टीटी में यहाँ पर जो आई है वो साइंस, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस की आई हुई है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और उसके साथ ही आपका टेट या सीटेट कोई भी अगर आपका क्वालिफाई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम पीआरटी की बात करें, तो पीआरटी में यहाँ पर जनरल यानी सभी चीज़ की यहाँ पर आई हुई है। इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की भी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आई हुई है। तो इसके लिए आपको देखिए, इसका एप्लीकेशन चार्ज भी है, तो 200 रुपये आपको यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पे चार्ज देना होगा। और इसको देखिए दोस्तों, आप 21 मार्च तक इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि फॉर्म कहाँ पे मिलेगा। तो आपको फॉर्म के लिए यहाँ पर इसकी ऑफिशियल साइट में जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे इसके ऑफिशियल साइट में हम चले गए हैं आर्मी पब्लिक स्कूल की। तो जैसे आप यहाँ पे न्यू इवेंट में देखते हैं, तो यहाँ पर तो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, और इसके नीचे अगर आप देखें, तो ये देखिए यहाँ पर दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पोस्ट ऑफ पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, तो जो पीडीएफ है ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। और देखिए यहाँ पे दिया गया है आर्मी पब्लिक स्कूल ऊंची बसी। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आप किसके लिए यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, अगर आप टीजीटी के लिए कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर टीजीटी लिख दें। पीटी के लिए कर रहे हैं, तो पीटी लिख दें, या पीआरटी के लिए कर रहे हैं, तो पीआरटी लिख दें। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाना है, उसके बाद अपना नेम लिखना है यहाँ पर कैपिटल लेटर में, सन, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी आप, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, स्टेट, एड्रेस डालना है आपको, कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे आपका ऑक्यूपेशन डालना है। तो इस प्रकार से ये देखिए फॉर्म है, इसको आपको फिलअप करके, ये सब का सब आपको एजुकेशन डिटेल वगैरह आपको यहाँ पे फिलअप करके और इसको भेज देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग, एनसीसी, स्काउट, म्यूजिक, जो भी अगर आपने यहाँ पे किया है, कोई भी एक्टिविटी की है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस, अगर देखिए आपको एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर लिखें, क्योंकि जिनका एक्सपीरियंस होता है उनको थोड़ा चांस ज़्यादा दिया जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हेल्थ के बारे में दिया गया, गेम स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्ट है आपका, तो ये सब इस प्रकार से ये देखिए ये फॉर्म है, और इसको फिलअप करके आपको 21 तारीख तक यहाँ पर भेज देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी आई है। अगर आप इसके आसपास रहते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी कैंडिडेट कहीं कर भी हो, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो इस प्रकार से देखिए आज हमने आपको ये बताया, और इसके साथ साथ जितनी भी वैकेंसी आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। तो इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि जितने भी टीचर से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती रहे, तो आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे।